नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है एम्बेसडर डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, भारत में भी रह चुके हैं और इसीलिए खास नजर है भारत के ऊपर। और आज हम यकीनन कोशिश करेंगे कि सर को थोड़ा टफ टाइम दें। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। No, thank you very much for inviting me. I'm looking forward to having a tough time. Sure, sir. I will try my best. So, sir, सबसे पहले तो सर आपने एक चंद्रयान पे आपने एक शो किया टीवी के ऊपर और उसमें आपने बुलाया जैद हामिद साहब को। अब जैद हामिद साहब ना तो साइंटिस्ट हैं, ना वो कुछ साइंस के बारे में कोई खास उनकी नॉलेज है। आम सिटीजन है जैसे मैं हूँ या और भी कोई हो सकता है। वो ज्यादातर इंडिया बैशिंग के लिए मशहूर हैं। ज्यादातर वो गजवा हिंद कर रहे होते हैं और अक्सर उनकी वीडियोज और उनकी ट्वीट वगैरह इसी किस्म की होती है। तो सर आपने उन्हीं को क्यों सेलेक्ट किया? आपने कोई किसी साइंटिस्ट को क्यों नहीं बुलाया पाकिस्तान से? कई लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो इनसे बेहतर रिप्लाई कर सकते थे। ये तो हर बात में ये कहेंगे नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भारत तो गया ही नहीं, जबकि चाइना हो या अमेरिका सबकी नजर उस वक्त चंद्रयान पे थी, किसी ने निकाह के नहीं पहुंचे। सिर्फ जैद हामिद साहब का कहना था। नहीं, पहली बात तो ये आरजू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। पहली बात तो ये है कि जैद हामिद साहब को मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं उनकी राय लूं कि चंद्रयान मिशन जो है ये कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। वो तो एक ज़ेली सवाल था, वो मैंने कर लिया और उन्होंने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अगर आप वो पूरा मेरी कन्वर्सेशन देखें तो वो इस मिशन के बारे में नहीं था। उसमें तो हमने और बहुत से इश्यूज पे गुफ्तगू की है। तो अगर मैं सिर्फ उसी पे गुफ्तगू करता तो फिर यकीनन किसी साइंसदान को या कोई जो भी है स्पेस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मुझे बुलाना होता। लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम तो एक जनरल डिस्कशन थी, उसमें बहुत से मौजूआत थे और वो ऑब्वियसली एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, उनके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। आप उनसे इख्तलाफ कर सकती हैं, कोई इतफाक कर सकती हैं, वह हर शख्स का अपना राय है। लेकिन किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना जो हक है अपनी राय रखने का वो आपका हक नहीं है। तो मैं तो इसी तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, बहुत सी चीज़ें इख्तलाफ भी करता हूँ। लेकिन वो एक जनरल पॉइंट था, जस्ट टू यू नो आस्क हिज ओपिनियन कि आप, बल्कि ओपिनियन भी नहीं, मैंने तो ये कहा था कि आपने अभी तक मुबारकबाद क्यों नहीं दी भारत को। तो जो उनका जवाब आया तो वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र है जी सर, और काफी नेगेटिव रहता है। जबकि सर बाकी दुनिया, बल्कि बाकी कई लोग पाकिस्तान से भी लोग अब ये चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो, लेकिन वो हम ये भी चाहते हैं कि हमारी ही शर्तों पे हो। यानी अगर भारत ये कहता है कि जी हमें रास्ता दिया जाए ताकि हम अफगानिस्तान में जो है वो कुछ सामान पहुंचा सके उनकी मदद के लिए, तो वो हम रास्ता नहीं देते। लेकिन हम कहते हैं क्रिकेट खेलनी है हमें स्पोर्ट्स करना है, हमें ट्रेड करनी है, लेकिन बाकी किसी चीज में हम कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ से बहुत बार लोग गए यहाँ से, जो हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही सर, कई हमारे जो आर्मी चीफ रह चुके हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी बुक्स मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जिहादी तैयार किए, हमने कश्मीर में भेजे, हमने वहां पर गड़बड़ की। और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि भारत हमारे सामने झुके, हम ना झुके अपनी, ना हम अपनी गलती मानते हैं और ना ही सही होने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है सर? देखिए, ये भी आपका व्यू पॉइंट है और जिस जाविये से आप चीज़ों को देख रही हैं, मैं शायद उस जाविये से नहीं देखता। क्योंकि मैं तकरीबन 36 साल मैंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है मुख्तलिफ ममालिक में, और ख़ास तौर पर भारत के साथ चूँकि मैं काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व भी हूँ कुछ मामलात में, तो मैं थोड़ी बहुत आप कह लें कि अंदर की खबरें भी जानता हूँ। पाकिस्तान भारत का जो ताल्लुकात हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और इसमें ये कहना कि पाकिस्तान ले तो लाल से काम ले रहा है, या हम भारत के साथ अमन नहीं चाहते, या हम ताल्लुकात को ख़राब रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है एक लिहाज से। क्योंकि भारत को अगर आप देखिए तो भारत इस खत्ते में एक बड़ा मुल्क है, तो जब आप बड़ा मुल्क होते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं। पहले तो इस बात का आप जायज़ा ले लीजिए कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ख़राब हैं क्यों। अगर 1948 से आप ऑनवर्ड्स या 47 से, अक्टूबर 47 से ले लीजिए, तो जम्मू और कश्मीर एक वाहिद तनाज़ है जो उस वक्त हमें नज़र आता है।
लेकिन पिछले 75-76 सालों में बहुत से और भी इश्यूज ऐड हो गए हैं इस हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में, जो इरिटेंट्स कह लीजिए आप, इश्यूज कह लीजिए, लेकिन बुनियादी जो नुक्ता है या डिस्प्यूट है वो जम्मू और कश्मीर ही का है। उसी की वजह से हमने 48 में भी जंग लड़ी, फिर उसके बाद 65 में भी हमने जंग लड़ी। तो ये तमाम जितनी भी हमारी म्यूचुअल अदावत है या हॉस्टिलिटी है, उसका शख्साना जम्मू और कश्मीर ही है। तो मैं अपने भारत के दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि आप भले कुछ भी कह लें, पाकिस्तान पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा दें, जिसने आपने भी कहा दहशतगर्दी के मामलों में भी अगर पाकिस्तान को आप एक्यूज़ कर लें, ये मामला ठीक नहीं हो सकते, ना ही हमारा बाहमी एतमाद कायम हो सकता है। हम हमेशा एक कदम आगे जाएंगे, फिर दो कदम पीछे हो जाएंगे, फिर मामलात वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने शुरू किए थे। तो बेहतर यही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ संजीदगी के साथ बैठे अक्रॉस द टेबल, और जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को कश्मीरों की सियासी उमंगों के मुताबिक हल करने की कोशिश करे। वरना ये रिलेशनशिप जिस तरह मैं देखता हूँ, मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक ये आगे बढ़ नहीं सकता, जो कुछ भी आप कर लें उसमें। अब ये कहना कि पाकिस्तान नहीं करना चाहता या भारत नहीं करना चाहता, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि वक्त आ गया है कि अगर हमने, जिस आपने कहा कनेक्टिविटी पाकिस्तान नहीं देता भारत को, उसकी वजूहात हैं कि हम क्यों नहीं भारत को एक्सेस देते अफगानिस्तान पे। जब म्यूचुअल हॉस्टिलिटी होती है, बामी एतमाद नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल दूँ कि अगर एक ट्रक या कंटेनर सामान लेकर आ रहा है, भारत का एक्सपोर्ट जा रही है थ्रू पाकिस्तान वागा के थ्रू, और वो लाहौर से आते आते पेशावर पहुंचती है, वो खुदा ना खासा इस दौरान उस कंटेनर के साथ कुछ हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ और चीज़ हो जाती है, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। तो जब तक एक म्यूचुअल ट्रस्ट कायम नहीं होता, उस वक्त तक इस किस्म की जो चीज़ें हैं कनेक्टिविटी की, रीजन इंटेग्रेशन की, ये सारे हमारी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं इनको, लेकिन उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नुक्ता ये है कि क्या भारत संजीदा है जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए? अगर आप मुझसे मेरी ईमानदारी की, ऑनेस्टी की बात, ऑनेस्टी से पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि भारत संजीदा है। वो चाहता है कि जम्मू और कश्मीर को अपनी टर्म्स पे वो रिजॉल्व करे, और इसका हमने देखा 5 अगस्त 2019 को भारत ने यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के खिलाफ, शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ, लाहौर डिक्लेरेशन के खिलाफ, आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, उसके खिलाफ वर्जी करते हुए जो इकदाम उसने लिए वो बिल्कुल गैर ज़रूरी थे एक हिसाब से। और अगर भारत को अब भी ये एक एरोगेंस या हुबरिस है और एतमाद है कि वो जम्मू और कश्मीर के मामलों को इस तरह ठीक कर लेगा, तो देखते हैं। आइए तो अब कश्मीरी खुद बताएंगे कि उन्होंने आया एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, और वो अपनी जद्दोजहद को किस तरह आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सर हमने तो ये देखा कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जिस वक्त 370 और 35A हटाया गया था तो पाकिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं की गई, इमरान खान की गवर्नमेंट थी और बिल्कुल खामोश रहे, किसी किस्म का कोई बात या कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट या कुछ नहीं गया, सिवाय इसके कि हाँ ठीक है हर फ्राइडे को वो कहते थे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और इस किस्म की चीज़ें हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथ साथ जो हमारे आर्मी चीफ थे पहले बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा कि हम 10 से 20 साल के लिए जो है ये कश्मीर इशू को साइड पर रख दें और उसके बाद भारत से बाकी चीज़ों में बात करें, चाहे वो ट्रेड हो या कुछ भी। भारत ने सर वहाँ पे जो डेवलपमेंट शुरू की है, जिसमें बहुत सी गल्फ कंट्रीज का भी हाथ है और वो भी उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो देखकर तो यहाँ के जो हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जी हमने तो भारत के साथ मिल जाना है, क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ तो जो रोड्स हैं वो तक सही नहीं बनी हुई, तो हमने दिया क्या है अपनी साइड पे कश्मीरियों को? और जहाँ तक आप करारदाद की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, तो सर उसमें तो लिखा है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा खाली करे, अपनी फौजें बाहर निकाले, उसके बाद ही वहां पर रेफरेंडम होगा या उसके बाद ही लोगों से पूछा जाएगा कि किसके साथ रहना है या कहाँ जाना है, तो पाकिस्तान तो फौज ही नहीं निकालता बाहर। अच्छा, आपने दो सवाल किए, जब आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ, क्योंकि भारत में भी ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान ने खुद अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं किया, और वो भारत से तकाजा करता है कि प्लेबिसिट वहाँ पे करवाया जाए। देखिए, जिस करारदाद का आप रेफरेंस दे रही हैं, ये 13 अगस्त 1948 की करारदाद है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये याद रहे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नहीं है,
यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP की करारदाद है 13 अगस्त 1948 की। इसमें बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं कि कहा गया था कि पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर से अपनी फौजों को और जो भी ट्राइबल्स वहाँ थे उनको वहाँ से विड्रॉ करे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस रेजोल्यूशन को, अगर आप पूरा UN का सिक्योरिटी काउंसिल का रिकॉर्ड पढ़ें, पाकिस्तान ने कभी भी इस रेजोल्यूशन को तस्लीम नहीं किया। हमारे बहुत से तहफ़ुज़ात थे इसके बारे में, इसलिए हम दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वापस गए कि जी हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जो ही हमने अपनी विड्रॉ की तो हमें ये खदशा है कि भारत दोबारा आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेगा। तो उसके बाद बहुत सी प्रपोजल सामने आईं और इवेंचुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने रेजोल्यूशन नंबर 98 23 दिसंबर 1952 को ये रेजोल्यूशन पास की और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान 3 से 6 हज़ार फौजें आज़ाद जम्मू और कश्मीर में रख सकता है और भारत 12 से 18 हज़ार फौजें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रख सकता है। तो अब मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान ने कहाँ हमसे गलती हुई इस मामले में। ये एक भारत का नैरेटिव बड़े अरसे से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, मैं इससे भी एग्री नहीं करता। अगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इतनी ही डिवेलपमेंट हो रही है, इतने ही हालात अच्छे हैं, तो देखिए दो तीन चीज़ें तो भारत को फौरी तौर पर कर लेनी चाहिए। एक तो वहाँ पर जो स्टेट हुड की जो डिमांड है कश्मीरियों की, उसको रेस्टोर कर देना चाहिए। वहाँ पे इंतखाबात फौरी तौर पे करवा देने चाहिए। अगर लोग इतनी ही डेवलपमेंट हो रही है, लोग बहुत खुश हैं, तो ये सारे काम वो करवा दें, इंतखाबात वहाँ पे करवा दें। इतने ही लोग खुश हैं तो फिर ये जो फौजें वहाँ पे 8 से 9 लाख सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको वहाँ से विड्रॉ करवा दें। इतने ही लोग वहाँ पे खुश हैं तो फिर जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको रिहा कर दें। इतने ही लोग खुश हैं तो जो काले कवानीन हैं, या UAPA है, या ESPA है, या पब्लिक सिक्योरिटी सेफ्टी एक्ट है, या डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, उनको विड्रॉ कर दें। तो मैं ये किस तरह मान लूँ कि आरजू के ये सब चीज़ें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दुरुस्त हो गई हैं? ये भारत का एक बयानिया है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आज चले जाएँ, वहाँ भी ग्रीवेंसेस हो सकती हैं। डिवेलपमेंट का जहाँ तक बात है, वो पाकिस्तान के हमारे अपने अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान में भी हमारी इकॉनमी आप जानती हैं। तो इस वजह से ये कहना कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बड़ी सी चीज़ें हंकी दोरी हैं, बड़ा ज़बरदस्त माहौल हो गया है, मैं तो चैलेंज करता हूँ इंडियंस को, अगर इतने ही हालात अच्छे हैं तो खुदा इलेक्शंस करवा दीजिए। क्यों नहीं करवाते आप इलेक्शंस वहाँ पे? क्यों आपने डॉक्टर कासिम फख्तू को पिछले 30 सालों से जेल में रखा हुआ है, आसिया अंद्राबी उनकी बीवी को पिछले 5-6 साल से जेल में रखा हुआ है, शबीर शाह को जेल में रखा हुआ है, यासीन मलिक को आप हैंग करना चाहते हैं, तो क्या क्या बताएं हम? तो ये कहना कि जी बहुत हालात अच्छे हैं, मेरे ख्याल में मिस इन्फॉर्मेशन है। भारत एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं उसको कितनी कामयाबी होती है, लेकिन पाकिस्तानियों को कम अज कम चीज़ों को हकीकत की नज़र से देखना चाहिए और भारत के नैरेटिव को उस तरह नहीं लेना चाहिए जिस तरह भारत चाहता है। लेकिन सर, अगर हम यही मान लें कि उन्हें इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन उसके लिए दूसरा हिस्सा भी तो कश्मीर का साथ होना चाहिए ना, एक साथ पूरे कश्मीर में होना चाहिए, सिर्फ एक साइड पे क्यों? दूसरा, बिल्कुल कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे, मैं जैसे आपको मैंने पहले कहा कि हमारे अपने आर्मी चीफ हैं जिन्होंने कहा कि हाँ हमने वहाँ गड़बड़ की, हमने वहाँ पे जिहादी भेजे, या हमने वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ पे दूसरी साइड पे कश्मीर में भेजे और गड़बड़ की, तो सर वो क्यों हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे? कैसे वो हमारे साथ मिलके बात कर सकते हैं, क्योंकि हर बार तो हमने धोखा दिया है। जितनी जंगें भारत के साथ हुई हैं सब हम ही ने शुरू की थी, ये और बात है कि हम सब में ही हारे हैं। हमने तो अपनी जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक है उसमें भी झूठ लिखा हुआ है, ये तो अब सब लोग मानना शुरू हो गए। तो सर, और दूसरी तरफ अगर इतना ही प्रॉब्लम होता, भारत तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी उनकी अच्छी हो रही है, फॉरेन पॉलिसी उनकी इंडिपेंडेंट है, तो और 9 लाख सर मैंने तो सुना है कि 14 से या 15 लाख तो उनकी टोटल आर्मी है, तो उसमें से 9 लाख से उन्होंने कश्मीर में कर दी, जो इतना सा कश्मीर है छोटा सा। मैंने आर्मी की बात नहीं कि, मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की है, और उसमें बहुत सी चीज़ें, उसमें राष्ट्रीय राइफल के लोग भी शामिल होते हैं, पुलिस भी शामिल होती है, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करूँ, पैरामिलिट्री भी शामिल होती है, नॉट ओनली आर्मी। अच्छा,
अब आपने जो बात की इलेक्शंस की, मैं इलेक्शंस की बात सर कर एक रहा सेकंड हूँ। लूंगी जी सर, एक जी सेकंड जी सर, जी सर जी फोर्सेस हमने भी यहाँ पे खड़ी कर रखी है, बात हम भी किसी को नहीं करने देते। मैं खुद जा चुकी हूँ हमारी साइड के आजाद कश्मीर जो कहलाता है वहां पे, और सब लोगों को मना किया हुआ था मीडिया से कोई बात ना करे, कोई इंटरव्यू ना दे, कोई किसी किस्म का कमेंट ना करे। ये खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये तो हमारे हाल, हमारा भी यही हाल है फिर तो। नहीं, लेकिन हम तो देखिए कोई पाबंदी नहीं लगाते। अभी भारत के यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उन्होंने 2000 जून 2018 में और 2019 में एक रिपोर्ट अपनी निकाली, और उन्होंने कहा कि जी उनका एक मिशन जाना चाहिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर। तो भारत उसको अलाउ क्यों नहीं करता, हमें समझ नहीं आती कि भारत क्यों अलाउ। अगर इतनी अच्छे हालात हैं तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का जो ऑफिस है उनके डेलीगेशन के अलाउ करते। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मैं प्लेबिसिट की बात नहीं कर रहा, जो इलेक्शन वो हर साल 5 साल करवाते हैं मकबूजा में जम्मू और कश्मीर में, उसकी बात कर रहा था। ओके, जो कि इन्होंने वादा भी किया था कि हम करवा देंगे जल्दी, लेकिन वो अभी तक नहीं करवा सके क्योंकि उनको मालूम है उनके हालात अच्छे नहीं है। दूसरी, जब आपने बात की कि जी हमारे आप साबिक आर्मी चीफ ने कहा था कि इसको बैक बर्नर पर डाल दें, देखिए पाकिस्तान ये कोई जम्मू और कश्मीर का मामला कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये वो मामला नहीं है जिसमें हम कहें कि जिसे कि हम 20 साल के लिए भूल जाते हैं, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये एक लिविंग डिस्प्यूट है। ये हम कुछ लोगों का ख्याल है कि 23 मिलियन लोगों की हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वैली की बात कर लें या चनाब या जम्मू रीजन के इलाके की बात कर लें तो 15-16 मिलियन लोगों की हम बात कर रहे हैं। अगर वैली में ख़ास तौर पे भारत की रियासी दहशतगर्दी जारी रहेगी, लोग वहाँ पे मैस ग्रेव्स मिलेंगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लीजिए ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहती है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कहती है, आप तमाम वो ये तो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और बड़े डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्राफिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जी भारत ने किस तरह वहाँ पे रियासी दहशतगर्दी जारी रखी है। तो हम पाकिस्तान किस तरह उसको इग्नोर करके कहे कि जी ठीक है आप जो कुछ करते रहें आप करते रहें, हम आपसे और ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपका ये भी नुक्ता था कि हमने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया, मेरे ख्याल में हमने रद्दअमल किया था, हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड किया, हमारा अभी तक वहां पे हाई कमिश्नर नहीं है, हमने ट्रेड सारा बंद कर दिया था, तो ये हमने इकदाम, वो अलग बात है कि दुनिया ने उस तरह हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया जो हम तवक्को रख रहे थे। इवन जो हम OIC से भी तवक्कोआत रख रहे थे वो भी हमारी पूरी नहीं हुई, ये बात मैं मानता हूँ। हमारे कश्मीर की सफारतकारी में बहुत से गैप्स हैं, कुछ कमजोरियां भी रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कहना अगर पाकिस्तान की सफारतकारी में कामयाबी नहीं मिली तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कश्मीरियों को जो हक़ खुद इरादियत है वो ना मिले या जो उनका बुनियादी हकूक है वो उनको ना मिले। पाकिस्तान की फेलियर्स अपनी जगह पे, लेकिन डिस्प्यूट तो मौजूद है। वो जो 12-16 मिलियन जो लोग हैं उनको तो उनका हक खुद इरादियत मिलना चाहिए जिसका वादा भारत ने खुद किया था कश्मीरियों से। तो मुझे कोई ये समझा दे कि अगर कश्मीर पाकिस्तान फेल भी हो गया है, लेट्स फॉर अ मोमेंट हाइपोथेटिकली मैं आपकी बात मान भी लूं कि पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, तो उसमें कश्मीरी बेचारों का क्या कसूर है? कश्मीरियों को तो उनका हक मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान और भारत का मामला जरूर है, लेकिन उसमें जो बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं वो तो कश्मीरी हैं और कश्मीरियों ने फैसला। और मैं ये भी कहता हूँ कि मुमकिन है कि कश्मीरी अगर भारत में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतने मामलात अच्छे हैं, तो फिर तो ऑल द मोर रीजन फॉर इंडिया कि वो फौरी से पेशतर प्लेबिसिट करवा दे पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि भारत में बड़ा ज़बरदस्त मामलात हैं, तो उसके हक में फैसला आ जाएगा तो ये मामला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सर प्लेबिसिट के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी फौज निकालनी होगी ना, हमें खाली करना पड़ेगा कश्मीर। हम निकाल लेंगे फौजें भी, हम पूरे UN का टेम्पलेट जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, आपने देखे ना फिर मेरी बात गोल कर दी, आप फिर 13 अगस्त वाली रेजोल्यूशन पे चली गई UNCIP की, लेकिन हम वो भी कर लेंगे। लेकिन भारत पहले ये तो कहे ना कि ये एक डिस्प्यूट है, ये हम अपनी कमिटमेंट पूरी करना चाहते हैं UN रेजोल्यूशंस के तहत, तो आइए मिलकर एक अब मैकेनिज्म बनाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब भारत ये कहेगा कि मेरा इंटेग्रल पार्ट है, हमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी लेना है, इस पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्या करे।
सर, अगर हमें कश्मीरी मुस्लिम्स का इतना इतनी फिक्र होती है और हम चाहते हैं कि वो आराम से हो जाएं, तो हम फिर चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में क्यों बात नहीं करते? इसलिए कि चाइना के साथ हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना हमें पैसा दे रहा है, तो अगर भारत भी हमें कुछ पैसा दे दे, जो कि इस वक्त भारत के पास काफी है, तो क्या नहीं, हम हम भारत के लिए भी चुप हो जाएंगे? देखिए ये बात नहीं, हम कश्मीर इसका जिक्र इसलिए नहीं करते कि मुसलमान ठीक है, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, पाकिस्तान और मुसलमानों के जहाँ कहीं भी इश्यूज होते हैं पाकिस्तान उस पर अपनी आवाज उठाता है। जहां तक विगर मुस्लिम्स की बात है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम ये मसला डिस्कस जरूर करते हैं चाइनीज के साथ, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेसी में बहुत सी सेंसिटिविटीज होती हैं, बाज चीजें आप पब्लिक डोमेन में लाते हैं बाज में नहीं लाते। लेकिन अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करता। अब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान को तो जरूरत है हर चीज पे बात करें, इसका नहीं होता। कश्मीर हमारे लिए एक बड़ा अहम इशू है, जो फलस्तीन हमारे लिए एक बड़ा अहम इशू है, उसे एक मजहबी दीनी फीलिंग्स अटैच्ड हैं, तो इन चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। यहाँ तक ये हमारा अपना मामला है कि हम चीन के साथ क्या करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं। अब आप कहेंगे कि भारत के मुसलमानों के बारे में हम क्यों बात करते हैं, वो हम इसलिए बात करते हैं कि नेहरू लियाकत एक एग्रीमेंट है, पैक्ट है 1950 का, जिसके तहत हमने ये कमिटमेंट दी है कि हम यहाँ पे जो हमारी अपनी माइनॉरिटीज हैं हम उनका ख्याल रखेंगे, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान में भारत में, वो उनका ख्याल रखेंगे। अब पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर कुछ हो जाता है, कोई मंदिर गिर जाता है या कुछ लोग एक्ट ले लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं, तो भारत आवाज नहीं उठाता। हमने ये कभी नहीं कहा कि भाई आप ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए जब भारत के मुसलमानों के बारे में भी कुछ बात होगी तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस पर कम अज कम अपनी आवाज तो उठाएं। लेकिन भारत के मुसलमानों का और मकबूजा जम्मू और कश्मीर, ये दो अलग अलग मामलात हैं, क्योंकि हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं समझते, ये दोनों अलग अलग चीज हैं और इसको उन्हीं तनाजुर में देखना चाहिए। लेकिन सर, अगर हम यूनाइटेड नेशन में जाकर कश्मीर के लिए बात कर सकते हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए बात कर सकते हैं, तो फिर हम चाइना का नाम क्यों नहीं ले सकते? वहां भी हमें शिकायत लेके पहुंच जाना चाहिए कि देखें जी, चाइना तो मस्जिद तोड़ के वॉशरूम्स बनवा रहा है, चाइना में तो वो कहते हैं मोहम्मद नाम नहीं रखा जा सकता, कई तरह के लोगों ने जेलें बना रखी हैं, उसमें मुस्लिम्स को जो है बंद कर रखा है, तो ये तो जरूर इसका मतलब है फिर पैसा ही बीच में है। और दूसरा, हमारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो एजेंसीज हैं वो कश्मीर इसलिए भी सॉल्व नहीं होने देती कि उसके बाद डिफेंस बजट और कई चीजें उनकी बंद हो जाएंगी, फिर क्या बताएंगे कि कौन दुश्मन है, किसके लिए हमें इतना बजट चाहिए, और तो कोई नहीं आ रहा हमें मारने। ये भी देखिए, भारत की जानिब से ये मसला उठता रहता है कि जी हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये मसला हल हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखिए तो थोड़ा बहुत जो कश्मीर के तनाज़े पे काम हुआ वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, वो आर्मी चीफ भी थे उस ज़माने में। उसी ज़माने में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की मेरे हिसाब से। अगर आप वैसे तो सफारतकार में जब देखता हूँ, और मैंने अपनी किताब हॉस्टिलिटी में इस पर लिखा भी है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो 4 पॉइंट फार्मूला पेश किया था वो एक बहुत बड़ी गलती थी। शायद वो फार्मूला गलत ना होता, लेकिन जिस तरीके से वो आगे लेकर चले उसने बहुत, तो ये कहना कि जी पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती मसले का हल, ये तो मैं देखे इससे ही प्रूव हो जाता है कि एक साबिक आर्मी चीफ ने ये प्रपोजल पेश की और ओपनली पेश की, पब्लिकली पेश की, तो ये किस तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को है। और फिर हमारा सिर्फ हमारी अगर फौज हमारी है या हमने आर्म फोर्सेस की हैं, तो ये तो हमारा सारा जो अगर आप पूरा हमारा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन देखें, हमारा सारा डिफेंसिव है, हमारा कोई एग्रेशन का मामला नहीं है। हमने जितने भी चीज़ें की हैं अभी तक सब डिफेंसिव हैं, इसलिए क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, कन्वेंशनल एक इम्बेलेंस है, तो इस वजह से हमें अपने दिफा के लिए, मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि जो बाहमी एतमाद जो का मामला है बड़ा इम्पोर्टेंट है ममालिक के दरमियान। अगर जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हो जाता है कश्मीरी उमंगों के मुताबिक, तो आप यकीन जानिए बाकी जो तो तमाम चीज़ें पेरिफेरल हैं वो खुद ब खुद हल होती चली जाएंगी, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
क्योंकि सर देखें ना, हमारी फौज पर तो अक्सर जो है वो उंगली उठती रहती है कि ये तो बिजनेस करते हैं, करप्शन करते हैं। जितने भी आप देख लें, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो जिन्हें सी पैक का बनाया गया था या कुछ भी, इन सबके नाम आते हैं, लेकिन हम भारतीय फौजियों के नाम इस तरह से नहीं देखते। जितनी स्पीड में हमारे फौजियों ने जो है वो पैसा बनाया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत है आपके सामने है, और भारत किस तरफ जा रहा है वो भी सभी को दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि उनका एजुकेशन सिस्टम भी हमसे कहीं बेहतर है, हमने सिर्फ मजहब का चूरन बेचा है। सर अभी ये जो हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये गए यूनाइटेड नेशन में, तो इन्होंने जाके हिंदुत्व और इस किस्म की बातें की जाके। तो सर एक कंट्री जहाँ पे 85% हिंदू हो, तो वो हिंदू स्टेट क्यों नहीं कहला सकती? क्या हर्ज है इसमें? अगर हमारे पास 57 इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं, हम खुद मजहब के नाम पे भारत को तोड़ सकते हैं, तो फिर तोड़ के ही बनाया ना सर हमने, जोड़ के तो नहीं बनाया, तो फिर वो क्यों हिंदुत्व और उस पे आइडियोलॉजी पे क्यों नहीं चल सकता भारत? नहीं, बिल्कुल चले। हमारी हमारी बिल्कुल, हम कौन होते हैं उनके मामलात में बोलने वाले? अगर वो चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन उसका एक तरीका कार है ना, फिर अपने आइन को बदल दें, फिर डबल टॉक ना करें, डबल स्पीक ना करें कि जी हम तो सेकुलर स्टेट हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो हम तो सेकुलर स्टेट हैं, लेकिन फिर अपनी जो तरजीहात ठीक कर लें कि वो चाहते क्या हैं। अगर वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आइन में तब्दीली कर लें, और फिर ये कहना बंद कर दें कि हम सेकुलर स्टेट हैं, फिर बरमरा कहें कि जी हम हिंदू राष्ट्र हैं, आइंदा से आप हमें यही नाम दें कि हम हिंदू रिपब्लिक ऑफ भारत है, जो भी है, फिर देखते हैं क्या होता है। ये उनका भारत इंटरनल मामला है, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कि हमारा, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि नेहरू पैक्ट के तहत हम, हमें मुसलमानों का दुख है, दर्द है, हम नहीं चाहते। आप खुद जानती हैं कि मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग मुसलमानों की, 2015 में अखलाक पहलू को पहले मौत कत्ल किया गया एक छोटे से इशू पे, उसके बाद घर वापसी के हालात हैं, लव जिहाद के इशू हैं, तो भारत में बड़ी एक्सट्रीमिज्म एक फैल गई है हिंदू, तो हमें तो मुसलमानों का फिक्र है बुनियादी तौर पे। और दूसरी जो अकलियतें हैं, अब जो मणिपुर में इस वक्त कुकी ट्राइब्स के साथ हो रहा है, आप जानती हैं तकरीबन 150 गिरजा घर उन्होंने गिरा दिए हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने, मेथी ट्राइब के लोगों ने, तो आप तस्वीर का एक रुख तो देख रही हैं आरजू, लेकिन खुदारा दूसरा रुख भी देखिए कि हिंदू क्या कर रहा है, ये जो आरएसएस है ये लोग क्या कर रहे हैं, और इनका क्या एजेंडा है। बाबरी मस्जिद को अगर उन्होंने 1992 में शहीद किया तो कोई वजह थी ना, और आज भी बेशुमार मसाजिद के बारे में कॉन्ट्रोवर्सी जिन्होंने शुरू कर दी है। तो मैं इन्हें कहता हूँ कि आप शुरुआत ताजमहल से कीजिए, सबसे पहले ताजमहल को गिराइए, क्योंकि वहां भी कोई मेरे ख्याल में पुराना कोई टेम्पल होगा यकीनी एतबार से, लेकिन उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि वो एक आइकॉनिक है, वो टूरिज्म है, उससे पैसा बनता है, मुगलिया आर्किटेक्चर से जितना फायदा इन्होंने उठाया किसी दुनिया में किसी ने उठाया। आप 1000 साल की जो तारीख है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आई डोंट नो हाउ, वो करवा भी नहीं सकते क्योंकि सारा टूरिज्म ही इनका मुगलिया दौर का जो आर्किटेक्चर है उसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। तो ये एक वन साइडेड स्टोरी, भारत बड़ा माहिर है इसको करने में, हमें भी थोड़ा सा अपने आप को, मैं समझता हूँ कि अपने काउंटर नैरेटिव्स बनाने चाहिए जो फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत नैरेटिव बनाएं, हमारे डेफिनेटली हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं, आपने पाकिस्तान की आर्मी की बात की, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रहा है, डेमोक्रेसी के हवाले से इशूज़ रहे हैं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से इशू रहे हैं, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हों, और हम उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले सालों में बेहतरी आएगी। सर बिल्कुल, भारत में कई बार उन्होंने कहा, चाहे वो राम मंदिर जो बना रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का नीचे मंदिर था, ये था, ठीक है मान लिया, लेकिन सर पाकिस्तान में तो हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि जी हमें जो है वो नीचे कोई मस्जिद बनी हुई है या कुछ और दरगाह थी या कुछ थी। हम तो फिर भी लोगों के जो चर्च भी तोड़ देते हैं, अभी रिसेंटली हमने कोई 20-21 चर्च तोड़ डाले, मंदिर हर वक्त तोड़े जाते हैं। जो हिंदुओं की बच्चियां हैं उनको साल में जो है 1000 तादाद बताई जा रही है, कई लोगों से मेरा पर्सनली मेरी बातचीत भी होती है उन लोगों से,
उनको उठा के जबरदस्ती मियां मिट्ठू और किस किस तरह के लोग हैं सिंध में और पंजाब में और कई जगह पे इवन केपीके में, जो उनके रिलीजन चेंज करवाते हैं, उनकी जबरदस्ती शादियां कराते हैं 12 साल की 13 साल की बच्चियों को, और कह देते हैं जिसको इस्लाम पसंद आ गया, 12-13 साल की बच्ची को तो सर मेरा ख्याल है इस्लाम क्या कुछ भी पसंद नहीं आ सकता, समझ ही नहीं होती। तो इस किस्म की हरकतें हम किस लिए कर रहे हैं? हमारे यहाँ 12% बताया जाता है, 1947 जब पार्टीशन हुआ था 12% माइनॉरिटी थी, और इस वक्त सिर्फ 2% रह गई है, और वो भी बेचारी डर डर के सहम सहम के रह रही है। तो ये क्या, ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ये क्या थी? इसमें सिर्फ नफरत ही नफरत थी और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया हमने? दो बातें आपने की हैं। पहली तो ये बात आपने की है कि हमारे यहाँ भी मंदिरों को तोड़ा जाता है, उनकी बेहुरमती की जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, होता है हमारे यहाँ भी, सिंध में भी हुआ, पंजाब में भी होता है। लेकिन एक बात याद रखिए आरजू, कि हमारे यहाँ जब होता है ना तो उसमें गवर्नमेंट एक्शन में आती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के लेवल पे कनाइमस नहीं होती। भारत का मामला ये है कि भारत दूसरी तरफ देखता है, जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ बात होती है उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और कोई ट्वीट नहीं आता, बाकी सारी चीज़ों पर वो ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, चूंकि एक्स हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा काम होता है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, लोगों की लेवल पे होता है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। गवर्नमेंट अपने तौर पे एक्शन फौरी तौर पे ले लेती है। तो इस वजह से इन दोनों सूरत हाल का जो कंपैरिजन है बनता नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि भारत में तो एक्टिव कनाइवेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ करते रहें। दूसरा सवाल आपका था, दूसरा जो आपने रिमार्क वो किस चीज के था, याद नहीं रहा, सॉरी सर। जो बच्चियों को ले जाते हैं सर उठा के, इस किस्म के उनका था बिल्कुल, वो एक मामला है सर। और यही कि सर ये हम भी फिर वही कुछ कर रहे हैं ना, अगर हम भारत के ऊपर इल्जाम लगाएं, हम वो नहीं कर रहे, ये एक इंडिविजुअल मामला है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो भी हुकूमत हो वो एक्शन लेने की कोशिश करती है, कनाइमेंस नहीं होती। सर कब लिया है, सर कब लिया है एक्शन? मैंने तो इनकी पिक्चर देखी है मियां मिठू के साथ, देखिए मिसाल के तौर पर खड़े थे, राजा साहब भी खड़े थे, एक इमाम थे, उन्होंने मुझे उनका खातून का नाम भूल गया क्या नाम था, उस पे उन्होंने इल्जाम लगाया ब्लास्फेमी का, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और आज वो इमाम आज भी जेल में है। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने एक्शन नहीं लिया। मुझे तो भारत में हैरत होती है कि वहां मुसलमानों की कितनी वीडियोज वायरल हुई लेकिन कोई एक्शन हिंदुओं एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं के खिलाफ नहीं होता। सर भारत में तो रोड पे खड़े होकर मुसलमान कुछ भी गवर्नमेंट को कह देते हैं, कुछ भी दूसरे रिलीजन को कह देते हैं। हमारे यहाँ किसी माइनॉरिटी वाले को इतनी हिम्मत है कि वो एक वर्ड बोल सके? कभी देखा है आपने? आरजू पार्लियामेंट में भी जी, आप जरा फिर मुझे कहने दीजिए कि फिर शायद आप भारत कब गई थी आखिरी दफे? सर मैं तो एक बार भी नहीं गई हूँ, लेकिन जाना जरूरी तो नहीं है? नहीं जाना जरूरी है, फिर आप जाके वहाँ पे देखिए। मैं क्योंकि वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है, वैसी कोई बात नहीं है कि आप उनके हिंदुओं के खिलाफ बातें करें या उनके उनके धर्म के खिलाफ बातें करें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सेक्युलर होने साहब को नहीं सुना आपने? आई थिंक वैसी साहब कभी हिंदू धर्म को बात नहीं करेंगे सर, वो कुछ भी बात करते हैं, गवर्नमेंट को भी कहते हैं। और उनके भाई जो हैं, उन्होंने कहा था, उनके भाई ने, वैसी साहब के भाई ने, कि हमें तो पता नहीं 15 मिनट्स दे दें तो हम यहाँ पे कितने पाकिस्तान बना दें। इस किस्म की बातें यहाँ कोई हिंदू कर सकता है क्या? नहीं, हिंदू देखिए, हिंदू अपनी लिमिट्स में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पे रमेश कुमार हैं, वो भी पाकिस्तान को सुबह शाम तनकीद का निशाना बनाते हैं, ऐसी क्या बात है? हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो ये हर मुल्क में होते हैं। ये कोई पाकिस्तान को वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे इस किस्म के इश्यूज हैं। हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इश्यूज नहीं हैं या हमें उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो इश्यूज हर मुल्क में हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। सेकुलरिज्म की आपने बात की, या मिसाल के तौर पर आप फ्रांस को ले लीजिए, फ्रांस में इश्यूज नहीं हैं सेकुलरिज्म के हवाले से। वहाँ देखिए मसला तब पैदा होता है आरजू जब सेकुलरिज्म इटसेल्फ बिकम्स अ रिलीजन। अब सेकुलरिज्म भी एक रिलीजन हो गया है और उसकी आड़ में आप बहुत कुछ करते हैं। उसकी आड़ में मुसलमान ख्वातीन को हिजाब पहनने की भी इजाज़त नहीं है पब्लिक प्लेसेस में। तो ये इश्यूज हैं, ये जूं जूं हमारा मुआशरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डेवलप कर रहा है, तो इश्यूज आते रहेंगे और हर मुआशरा अपने तौर पर उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करता है।
नहीं सर, पब्लिक प्लेसेस में मना नहीं है, सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में मना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी तरीके से वहाँ पे जो है वो चीटिंग भी हो सकती है अपने उस अबाया में, और उसमें किस किस तरह से स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। हमारे यहाँ भी होता है सर ये काम, ये तो कोई इनकार नहीं कर मैंने सकता। मैंने कभी अबाया पहना नहीं है, इसलिए मेरे इल्म में नहीं सर, मैंने भी नहीं पहना, लेकिन मुझे पता है बहुत से आपको वीडियोस भी भेज सकती हूँ, स्टूडेंट्स हमारे बड़े स्मार्ट हैं। लेकिन लेकिन माशाल्लाह। सर अगर हम लास्ट में कनाडा की बात करें, कनाडा की तरफ से भी एक इशू बना भारत के लिए, हमारे यहाँ से भी बड़ा बताया गया। हाँ जी ऐसा ही हुआ है, मतलब हमें कुछ पता नहीं, हम खामा खाई में कुछ भी भारत के खिलाफ हो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं जो भारत के खिलाफ हो। तो सर आपको लगता है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको पहले कोई सबूत या कोई प्रूफ होने चाहिए था उनके पास, उसके बाद वो बात करते अपनी पार्लियामेंट में? देखिए, जो कत्ल हुआ निज्जर साहब का, ये 18 जून को होता है, और 18 जून को आज हम इस आज 25 सितंबर है, और उससे तकरीबन 2 हफ्ते पहले की आप बात कर लें, उससे पहले 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 का इजलास, सरबराही इजलास होता है, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ भी इसका जिक्र किया। और ये भी आज अगर आप आज की खबर पढ़ लें तो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर की थी कनाडा के साथ, क्योंकि उनका फाइव आईज एक फोरम है इंटेलिजेंस का, जिसमें कनाडा है, यूके है, यूएस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। अब अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि उन्होंने जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है उसके तहत कनाडा ने एक्ट किया है, तो आप देखते हैं आगे मामला किस तरह बढ़ते हैं। लेकिन अगर कनाडा ने पार्लियामेंट, वजीर आजम ने आज पार्लियामेंट में आकर कहा है, और वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें कोई मेरे ख्याल में इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हम उनकी बात पर यकीन करें, क्योंकि भारत का तो ये रवैया रहा है, भारत ने बल्कि पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान ने भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बहुत से लोगों को कत्ल करवाया, शहीद करवाया। भारत ने, आप देखिए ना, जो एडवाइजरी पूरी दुनिया में आप इशू हो रही है कि खास तौर पर सिख अपना ख्याल रखें, तो ये किसकी वजूहत तो होंगी ना। मैं ज़ाती तौर पर तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसे तो यही महसूस होता है कि भारत ने एक कैंपेन शुरू कर रखी है। बिल्कुल ऐसा ही सर, भारत ने बहुत लोगों को, बकौल आपके, बहुत लोगों की जानें ली और दहशतगर्दी की, लेकिन सर FATF में हम क्यों चले गए फिर, भारत क्यों नहीं गया? नहीं देखिए, वो तो अभी UAE भी और गया ये है, उसामा बिन लादेन से लेकर और ये हाफिज सईद तक, हाफिज सईद साहब जिन्हें हम बोलते हैं, तो अब वो निजर, आपने निजर साहब का उससे मुझे ख्याल आया। तो सर ये सारी टेररिज्म तो हमारे यहाँ से मतलब पलती है, बेची जाती है, भेजी जाती है, और भारत की तरफ से नहीं। कभी हमने ये नहीं कहा कि भारत ने की तरफ से यहाँ पे कोई आके फट गया हो या कोई ब्लास्ट किया हो सर, और हम फिर FATF में भी होते हैं सर, हमें टेररिस्ट भी घोषित किया जाता है, क्या हमें ये भी कहा जाता है कि हम टेररिस्ट कंट्री हैं, या इस किस्म की बातें हम ही क्यों कहते हैं, भारत को क्यों नहीं कहते लोग? फिर आप भूल गई हैं आरजू के 2 मार्च को हमने कमांडर कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार यहाँ पे किया था सर, वो अकलौता पता नहीं कैसे हमने नहीं, उसको पकड़ लिया नहीं, है, एक नहीं, से नहीं, दूसरा नहीं, हमारे पास नहीं है, नहीं, और नहीं, उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने तो वो 10 पकड़े सर, बल्कि 100 पकड़े हमारे यहाँ से। नहीं कहाँ, कौन क्या पकड़ा है, कौन पकड़ा है? अक्सर ही सर आती रहती न्यूज अभी भी सर, 10 सर क्या बात कर रहे हैं सर। देखिए, हम कमांडर कुलभूषण जाधव एक सर्विंग बंदा था, और उसका पकड़ना बहुत बड़ी फिश हमने पकड़ी, ये अलग बात है कि हम उसको सही बिल्ड नहीं कर सके। मैं आपकी इस बात तक तो बिल्कुल मानता हूँ कि हम उसको सही एक्सपोज भारत को नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हमारी अंदरूनी क्या। लेकिन इसमें कतन कोई शक नहीं है कि भारत का, देखिए भारत ने बहुत चलाकी के साथ बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान में हामिद कारजई और अशरफ गनी के ज़माने में, और जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्ट्रेट थी अफगानिस्तान में, रॉ ने मिलियंस के हिसाब से वहाँ पैसा खर्च किया है। आज अगर मैं तो, अगर मेरी राय पूछें तो बहुत सी ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी फंडिंग भारत करता है पाकिस्तान की हद तक कि वहाँ पे, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे, हमारा CPAC का मामला आगे ना चले, चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हों। ये एक बहुत बड़ा एक है सिलसिला, और फुट सोल्जर्स को भी पता नहीं होता कि वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सच्ची बात, जो खुदकश हमले होते हैं, जो हमला करता है उसको मालूम नहीं होता कि वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये आप अगर जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, चूँकि मेरी उनसे खुद बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं, मैं जानता हूँ, उनकी आप तकरीर उठा के ले लीजिए 2 फरवरी 2014 की, वो तो बिल्कुल बरमला कह रहे हैं कि हम ये सारे काम बाहर पाकिस्तान में करेंगे। तो उसके बाद हमें सबूत ही क्या ज़रूरत है
उनके उस वक्त तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं थे, लेकिन हमें तो ये ऑफिस, और फिर आप अगर राजनाथ सिंह की तकारीर उठा के देख ली, जो इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह की निकालें तकारीर, तो बड़ा वाजे हो जाता है कि वो तो बिल्कुल पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और इसमें तो दो राय नहीं। फिर आप कहती हैं कि हम FATF में क्यों हैं। देखिए, उसकी वजूहात हो सकती हैं, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया से होती है। अगर आप इस वक्त पूछिए तो UK बहुत बड़ा घर है सारी इन चीज़ों का, लेकिन चूंकि हम बस एक नैरेटिव बिल्ड हो गया और हम उसमें आ गए, लेकिन अब हम निकल भी आए हैं। तो ये तो बहुत से ममालिक हैं, टर्की है, तुर्की है, UAE है, बड़े बड़े नाम हैं जो कि FATF की ग्रे लिस्ट में आए, लेकिन वो हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स में ठीक नहीं होंगे। अब हमने ठीक कर लिए हैं तो हम बाहर भी आ गए हैं। तो ये कुछ सर, हम कई बार गए और कई बार बाहर आए, लेकिन सर अगर हम किसी के साथ, हम थाने में बंद हो जाएं और हमारे साथ कोई बड़ा लीडर भी हो, तो ये हमारे लिए कोई फख्र की बात तो नहीं होगी कि नहीं, वो भी तो बंद था तो हम भी बंद हो गए? नहीं, फख्र की बात नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि हमारे लूप होल्स थे, हमारे गैप्स थे हमारे प्रोसीजर्स में या हमारे कवानीन में, वो हमने अब ठीक कर ली है। तो हमें उन्होंने कह दिया कि जी बस आप ठीक है, ग्रे लिस्ट से निकल गए आप। तो इससे क्या साबित होता है? इससे कोई ऐसी चीज साबित नहीं होती कि खुदा ना खास्ता हम कोई बहुत जो है दहशतगर्दी में, वो टेररिज्म फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, या बड़े हकूमत लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। हमारे जो कवानीन हैं या प्रोसीजर्स हैं, उसमें कुछ सुकम हो सकते हैं, वो सुकम हमने दूर कर दिए, अब हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान की नीयत में कोई फतूर होता तो ये तमाम चीजें ना होती, लेकिन ऐसी। सर, हिलरी क्लिंटन ने जो कहा था कि अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो हम ही को डसेंगे, तो वो मतलब वैसे ही कह के चली गई, वो भी इंडिया ने कह दिया क्या? देखिए, मैं नहीं कह रहा, वो तो देखिए ना, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस इस किस्म की स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो इन चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान में देखिए, अगर अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या हुई कि हम ऐसे एक रीजन में हैं जहाँ पे बहुत मसाइल हैं। अब देखिए, 1979 में सोवियत यूनियन जो पहले था, उसने अफगानिस्तान पे हमला किया ना। हमने तो नहीं कहा था कि आपके आप हमला कीजिए उस पे आगे अफगानिस्तान पे, उसकी वजह से हमारे यहाँ से रेफ्यूजीज आए, और आज तक अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान को बराह रास्त उस पर असरअंदाज होती है। फिर 9/11 में मुझे आप बता दी कोई एक पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व था, हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हम एक ऐसी सिचुएशन में घिर गए हैं जहाँ के हम, जहाँ हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई, और भारत ने उस तमाम सिचुएशन का पूरा पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सर, अफगानिस्तान में तो हमने डबल गेम खेली थी ना, हम डॉलर पकड़ रहे थे अमेरिका से और साथ हम दे रहे थे तालिबान का। अब वही तालिबान हमारे गले पड़ गए, अब वो कह रहे हैं KPK में अटैक्स जो चल रहे हैं, और ये TTP भी सर हम ही ने बनाई है, वरना तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, वरना तो वो पी के बजाय आगे आए लगा देते अगर भारत से आए होते। लेकिन सर, साथ ही चाइना जो है उसके प्रोजेक्ट्स भी तो हमारी वजह से ही सारे फ्लॉप हुए, सारे के सारे करप्शन केसेस, आसिम सलीम बाजवा और कई दूसरे नाम है जो पैसा खा के भाग गए, तो सर उसमें भारत का क्या लेना देना कि वो CPAC नहीं बनने देगा? ये तो हमारे लोग हैं जो खा खा के भाग गए, और इमरान खान ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी थी कि हाँ जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। देखिए, CPAC में तो इश्यूज हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक वो नहीं चला, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, धरने शरने हो रहे थे, ये हो रहा था, वो कुछ हो रहा था, हजारों चीजें थी जिसने इसको उस पर असर किया, लेकिन भारत ने इस पूरा फायदा भी उठाया। दहशतगर्दी में 16 दिसंबर 2014 में जो APS पे हमला हुआ था, वो भी आपको याद होगा। तो TTP तो मुझे तो कतन कोई शक नहीं, और कुलभूषण जाधव की कन्फेशनल स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा फंडिंग हुई है TTP को, भारत ने किया है और भारत करता रहेगा, ये नहीं है कि भारत छोड़ देगा। भारत के अपने अजाइम हैं, और इस वक्त जो ग्लोबल एक ऑर्डर नया बन रहा है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसमें मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि US भी नहीं चाहता कि CPAC आगे बढ़े, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नोयत के हों। बहुत बड़ी गेम हो रही है, हमें अपने आप को सही पोजीशन में लाना है ताकि हम भी सही मानों में सही सफारतकारी करके अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करें, प्रोमोट करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। लेकिन सर, पेशावर स्कूल पे अटैक भारत ने नहीं किया था, एहसानुल्लाह एहसान ने किया था, उसने माना भी था, और हमारी एजेंसीज के पास वो था, हमारी एजेंसीज ने उसको पूरी फैमिली समेत बाहर निकाल दिया जहाँ पे वो आराम सुकून से रह रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको भारत वाले निकाल के ले गए। सर, हर चीज हमारी, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम अपनी गलतियां मानते ही नहीं है, हम हर चीज कहते हैं किसी और ने कर दी। मैं तो अपनी गलतियां मान रहा हूँ, बहसियत कौम हमने बहुत गलतियां की हैं। मैं तो ये पहले शुरू ही मैंने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं,
हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, हमने इकोनॉमिक मेस अपने लिए क्रिएट किया है और ये स्पेस दी है भारत को कि वो उसको एक्सप्लॉइट करे। तो ये हमारे हमसे गलतियाँ डेफिनेटली हुई हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा, हर मुल्क से होती हैं, हर रियासत में होती हैं, लेकिन अब हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। असल बात ये है कि हमने क्या अपनी गलतियों से सीखा है कि नहीं, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि हम अब आगे किस तरह बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि हमारी गलतियों का नतीजा ये निकलना चाहिए कि हम जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को भूल जाएं, भारत के सामने झुक कर हम उसको भूली तस्लीम कर लें इस खत्ते का, और हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर दें, हम अपने आर्म फोर्सेस को वीकन कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरा जवाब ये होगा। आपको मुमकिन है कि आप इस तरह सोचती हों, वो आपका हक है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर व्यूज, लेकिन मैं चीज़ों को मुख्तलिफ जाविये से देख रहा हूँ। सर बहरहाल ये भारत दुश्मनी जो है लोगों को सिखा सिखा के और यही चूरन बेच बेच के हमने अपनी यह हालत कर ली है कि अब हमारे न्यूक्लियर एसेट्स भी जो हैं वो भी तकरीबन इस जगह पहुंच गए कि लगता है कि शायद सऊदी अरब कोई ना कोई खरीद लेगा, पैसा बिल्कुल नहीं है हमारे पास। ये भी एक नैरेटिव है, इसको भी मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, मैं जो समझता हूँ, मुमकिन आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या हमारी जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं वो भारत की वजह से हैं या भारत के साथ हमारी दुश्मनी की वजह से हैं। वो एक फैक्टर जरूर हो सकता है, मैं उसको बिल्कुल रूल आउट भी नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर के इश्यू ज्यादा हैं, खास तौर पे जो पॉलिटिकल हमारे यहाँ एक बेयकीनी की सूरत हाल रहती है, हमने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन नहीं किए, जैसा आपने शुरू में कहा, हमने तालीम पे वो एम्फेसिस नहीं डाला, हमने सोशल प्रोग्राम उस तरह नहीं किए, हमने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन नहीं किए, वो हमारी खराबियां जरूर हैं। ये भारत के साथ देखिए ना, हम 65 में भी फॉर दैट मैटर हमारे भारत के साथ तो दुश्मनी थी, हॉस्टिलिटी थी, लेकिन हम 90s तक भारत से बहुत आगे थे इकोनॉमिकली, हम इकोनॉमिकली भारत से बहुत आगे थे, हम आज भी भारत से बहुत आगे निकल सकते हैं। अगर आप देखिए पर कैपिटा इनकम जो है हमारे दरमियान, ठीक है वो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन उस तरफ चाइना जो है वो 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो क्या भारत को आप ये मशवरा देंगे कि जी आप बस तमाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भूल जाएं और चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक करें, आप क्यों इतना खर्च कर रही हैं अपने दिफा में चाइना के अगेंस्ट? ऐसा मुल्क होता नहीं, हर मुल्क को अपनी सॉवरेंटी अजीज होती है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अजीज होती है, वो अपनी मुश्किल में रह कर भी अपने डिफेंस पे खर्च करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने अंदर का घर ठीक कर लें, कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको हम ठीक कर लें, खास तौर पे जो सियासी सूरत हाल है उसमें यकीनी एक 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 तयक्कुन की एक सर्टेनिटी की सूरत हाल पैदा कर लें, तो बहुत से हमारे मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन साथ साथ हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी कंट्रीज के बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं उनसे भी हमारे टर्म्स बेहतर हों, बजाय इसके कि हम हर वक्त एक जंग की सी हालत में रहें, उससे बेहतर है। अब तो खैर अफगानिस्तान भी सर हमारी ठीक ठाक पिटाई लगा रहा है, और अगर भारत भी शुरू हो गया तो सर हमारा तो सैंडविच बनते हैं। भारत 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 को हम ठीक कर देंगे, भारत से हम खैर घबराते नहीं है। क्वेश्चन यही है कि अफगानिस्तान का मामला बता हमारे लिए सीरियस है और उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। भारत के साथ भी मैं समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, नॉर्मल हमसायों जैसे होने चाहिए, लेकिन इट टेक्स टू टू टैंगो, ये एकतरफा तौर पे नहीं हो सकता। और अगर भारत ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को बुली करेगा, वो इस रीजन में देखिए भारत को, मैं अपने दोस्त भारत के दोस्तों अक्सर ये बात भी करता हूँ कि अगर आपने अपनी जो आपकी जो ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं, जो आप चाहते हैं कि आपको दुनिया माने कि आप एक रीजनल ग्लोबल पावर हैं, आप उस वक्त तक ग्लोबल पावर नहीं बन सकते जब तक आप अपने रीजन में अपने हमसायों के साथ अमन कायम नहीं करेंगे। चाइना जो इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है, उसके साथ आपके प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है उसके साथ आपके इश्यूज हैं, नेपाल को आप धमकियां देते हैं, म्यांमार में आप अंदर घुसकर फौजें भिजवा देते हैं, मालदीव में आप फौजें भिजवाते हैं, श्रीलंका में आपने प्रॉब्लम्स ओरिजिनली क्रिएट किए जफना में, तो आप खुदारा इस रीजन में सबसे बड़ा मुल्क है। मिसाल के तौर पर सार्क 2019 में, हमने तो 2016 में होनी थी पाकिस्तान में, और आज तक सार्क का नहीं हो सका बिकॉज ऑफ इंडिया। और अगर आप पूरा सार्क का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जितनी बार भी समिट पोस्टपोन हुई है वो भारत ही की वजह से हुई है। तो भारत को अपने रवैयों पे नजरसानी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तब कहीं जाके इस खत्ते में एक्टिविटी होगी, रीजनल एक्टिविटी, कनेक्टिविटी, इंटेग्रेशन के मामले आगे चलेंगे। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का कसूर कोई नहीं है, पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं,
लेकिन किस मुल्क में डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स नहीं होते आरजू? सब जगह होते हैं, हर मुल्क अपने हिसाब से उनको हल करने की कोशिश भी करता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन हमारे भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्री से हमारे भी टर्म्स कोई बहुत शानदार चल रहे हैं, और अगर अफगानिस्तान की तरह फलस्तीन वालों को भी मौका लग गया तो वो भी यकीनन हमारे खिलाफ ही होंगे, क्योंकि ज़ियाउल्लाह के ज़माने में मैंने तो सुना है कि वहाँ पे फौजें भेज के उनका नुकसान ही किया था, हमने कोई फ़ायदा नहीं किया था। और बाकी अफगानिस्तान का तो आपको पता ही, हम डॉलर पकड़ रहे थे और उसके बाद यहाँ से जगह दे रहे थे कि जाकर वहाँ पर अटैक किया जाए, तो वो अफगानिस्तान वाले ये बात नहीं भूलेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने ना समझने की कसम खा रखी है, तो अब क्या कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ। सेम है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।